कैसे हो सब लोग, मैं हूं वीर कुमार और आज जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा वो है अपने गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। इजी तरीका बताऊंगा कि ऐप के द्वारा भी एक ऐप आती है, काफ़ी सारी ऐप आती है वैसे तो, लेकिन ऐप के द्वारा भी बहुत ही इजी तरीका है आप ट्यून कर सकते हैं अपने गिटार को। ये क्यों ज़रूरी होता है ट्यूनिंग गिटार को लेकर, हम अपने सवाल इस वीडियो में क्लियर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्न क्लियर कर दूँ और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाए। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमें गिटार ट्यून करना क्यों जरूरी होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अनट्यून होता है, इसको ट्यून करना पड़ता है। ट्यून का मतलब होता है कि इसको सुर में लाने के लिए, इनके अलग अलग सुर होते हैं, अलग अलग ध्वनि होती है, प्रत्येक स्ट्रिंग की अपनी ही एक धुन है। तो अब जैसे देखो, आप एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये ऑलरेडी ट्यून है, इसे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग कहते हैं। सभी स्ट्रिंग का एक ही ध्वनि में साउंड जा रहा है, मतलब एक दूसरे से ये घुल रही है, तो एक ही साउंड है सभी स्ट्रिंग का। अब अगर ये अनट्यून होगा तो कैसा साउंड करेगा, देखो यह अलग है, यह अलग है, तो ये कीज कभी भी घूम जाती है, अनट्यून हो जाता है खुद ब खुद। अब ये देखो, पहले जैसा साउंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये अनट्यून गिटार है। आप जब परचेज करते हो, नया गिटार खरीदते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं कि ट्यून किया हुआ गिटार ही मिले, ये अपने आप भी अनट्यून हो जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप एक नया गिटार शॉप पर जाकर खरीदते हैं तो आप उसको ट्यून करवाएं। सबसे पहले आप इसको ट्यून करवाएंगे तो आपको जब वो प्ले होगा तो अच्छा साउंड करेगा। जैसे अभी भले ही मुझे गिटार प्ले करना आता है, लेकिन देखो बेसुरा प्ले हो रहा है, ये ट्यून नहीं है, अनट्यून है। तो आप कितना भी अच्छा प्ले कर लोगे तो वो उसका ओरिजिनल साउंड उस इंस्ट्रूमेंट का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ट्यून करवाना है शॉपकीपर से बोलकर। और इसमें आपको आगे कैसे हेल्प करेगा, जब आप एक अनट्यून गिटार को ट्यून करवा कर अपने घर पर लाओगे, फिर आप जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि ऐप के थ्रू आप कैसे अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी जब ये अनट्यून है ऑलरेडी, तो मुझे काफ़ी घुमाना पड़ेगा, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरा स्ट्रिंग भी टूट जाए। लेकिन अगर आपका गिटार ट्यून है ऑलरेडी, सिर्फ 18-20 मतलब 19-20 का फर्क आएगा, ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा धुन को समझने में, और ऐप भी हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा कि आपका गिटार जल्दी से कुछ ही सेकेंड्स में ट्यून हो जाए प्रत्येक स्ट्रिंग। तो ये हम आगे दिखाएंगे, इसके बारे में आपको आसानी से बताऊंगा कि ऐप के द्वारा आप कैसे ट्यून कर सकते हैं। और मैं क्या क्लियर करना चाहता हूँ इसमें, ये क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपने आप, हर कोई चाहता है कि मैं खुद से कब ट्यून करना सीख सकता हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ आप जैसे कि देख रहे हो, ये लेसन 5 है। अभी इससे पहले सिर्फ हम बेसिक कवर कर रहे हैं, ये लेसन 5 है। तो आपको कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है अभी गिटार की नॉलेज को लेकर, तो सिर्फ इजी तरीका है कि बस आपको माइंड में आपके डाल दिया है मैंने कि गिटार ट्यून होना ज़रूरी होता है। ये इनके अगर ये एक सुर में आ जाता है तो ये अच्छा साउंड करता है, और ये जब अनट्यून होता है तो बेसुरा साउंड करता है। तो बस आपको अभी सिर्फ इतना ही पता है, पता होना चाहिए। आगे जब आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी कानों की क्षमता, समझने की क्षमता, हर एक स्ट्रिंग की, तो ये मेरे माइंड में हिट करती है, कितना मुझे ऊंचा लेके जाना है, कितना लूज करना है, ये सब अनुभव से ही होगा, एक्सपीरियंस से ही होगा। तो दोस्तों अब क्या है, काफ़ी इजी हो गया है गिटार को घर बैठे आसानी से बिना किसी पैसा खर्च करें आप ट्यून कर सकते हैं। वो
क्या है वो जरिया, वो है ऐप। जैसे कि आपको पता है एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, तो इनके लिए एक ऐप आती है गिटार ट्यूनर करके। तो गिटार ट्यूनर ऐप से आप इजीली अपने गिटार को कभी भी कहीं भी इजीली आसानी से ट्यून कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें देखो, जैसे कि आपने ये देखा है कि ये ऐप ओपन हो चुकी है। इसका जो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑटो फंक्शन, तो ये ऑटो लिखा हुआ है, मैं इस पर टच कर रहा हूँ। अब ये ऑटो फंक्शन मतलब ऑटो, ये अपने आप, अब जो भी मैं स्ट्रिंग यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं कुछ हरकत हुई तो ये उसका साउंड लेगी। तो ये आपको स्ट्रिंग्स के नाम पता चल गए हैं स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में। तो प्रत्येक स्ट्रिंग के नाम उसकी तरह ही सेट होने चाहिए। कि अब ये हमारा गिटार अनट्यून है इस समय पूरा। अब ये हमारी ई स्ट्रिंग है, हाई ई, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है टू लो। तो टू लो मतलब काफ़ी पीछे है, काफ़ी नीचे है, तो हमें ऊपर चढ़ना होगा, तो हमें स्ट्रिंग को टाइट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कीज को घुमा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लूज स्ट्रिंग से मतलब ढीला होने के बाद ही ऊपर चढ़े। ये जैसे कि लूज है, जब ये काफी टाइट हो जाएगा तो इसका टूटने का डर रहता है। सिर्फ आपको लूज से टाइट स्ट्रिंग करना है, यही सही तरीका रहता है। अगर आपको अपना स्ट्रिंग टूटने से बचाना है तो आप इसे ही फॉलो करें, लूज स्ट्रिंग से टाइट स्ट्रिंग करें। अब आओ हम ट्यून करते हैं। तो ये देखो लो स्ट्रिंग दिखा रहा है, काफी लो है, काफी पीछे है, यानी मैं इस स्ट्रिंग को टाइट कर रहा हूं। तो आपको धीमी धीमी गति में घुमाते जाना है, टाइट करना है। हमें ये बेसिकली ये जो लाइन है रेड लाइन, इसको ग्रीन में लाना है। ये आप थोड़ा आसपास दिखा रहे हैं, तो हल्का हल्का सा ट्यून करो। ये इस समय ट्यून हो गया। तो अब हमारा ई हाई स्ट्रिंग सबसे नीचे वाला ट्यून हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं, अब ये जी दिखा रहा है इसमें, लेकिन इसका आवाज ये स्ट्रिंग बी है, तो हमें इसे बी पे सेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको भी टाइट करना है हमें। बी दिखाने लगा, तो अब हम थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, ये बी पे आ गया। अब आप जैसे कि देख रहे हैं ये आगे निकल गया हूं मैं। अब मैं प्ले कर रहा हूं तो ये टाइट दिखा रहा है, थोड़ा टू हाई, तो मुझे अब थोड़ा सा लूज करना होगा। लूज करो, लूज करो, परफेक्ट। अब हमारा ये दो स्ट्रिंग्स ट्यून हो चुका है, बी भी ट्यून हो गया। अब हमें जी, इस स्ट्रिंग का नाम जी है, तो अब इसे ट्यून करना है। तो ये हाँ, ये थोड़ा पास में ही है, तो इसको टाइट करते हैं। टाइट करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही। मेक श्योर कि आप धीरे धीरे घुमाएं, एकदम से ज्यादा टाइट ना करें, धीरे 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 चलता रहता हूं मैं। ये टू हाई, थोड़ा सा हाई हो गया, अब मुझे लूज करना है। ये भी मेरा ट्यून हो गया, परफेक्ट। अब इसके ऊपर आ जाता है डी स्ट्रिंग, तो अब इसको देखो हम कैसे ट्यून करेंगे। ये डी है, तो देखो इससे भी लूज हो जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ दिखाएगा, अभी लूज ए दिखा रहा है, तो अब देखो ए पे पहुंच गया, लेकिन हमें जाना है डी पे। अभी तक भी ए ही दिखा रहा है, टू हाई है,
ई आने लगा। अब डी दिखा रहा है, तो अब इसको करते रहो, काफी लो है, थोड़ा पास आया, थोड़ा साउंड के साथ भी फैमिलियर होने का कोशिश करें। टंग डंग डंग डंग, ऐसे अगर कभी दिखाए तो कंफ्यूज ना हो। ये स्ट्रिंग भी हमारा ट्यून हो गया। अब अगली आती है ए स्ट्रिंग। अब ए स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं। इसी तरीके से आप देखो कितना आगे है। ये भी ट्यून हो गया। और अब लास्ट स्ट्रिंग हमारा ये ई लोई, इसको भी टाइट करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे भी प्ले करता जा रहा हूँ, इसको घुमाते जा रहा हूँ, ऐसे ही करते रहना है आपको। ये भी हमारा ट्यून हो गया। तो दोस्तों जैसे कि अब आप लोगों ने देख लिया, हमारा गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्यून करना आ गया होगा। आप ऐप से आसानी से यार दोस्तों लगे रहोगे आप, इजी है वैसे तो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा तरीका है। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को भी आपकी जगह रखकर सोचता हूँ, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो वो टिप्स क्या है, जब अगर किसी ने नया गिटार नहीं खरीदा है और वो फिलहाल खरीदने की सोच रहा है, तो शॉप पर जाकर जहाँ से भी वो खरीदता है तो उसे ट्यून करवाकर ही खरीदे, पहला। दूसरा, जब आप ट्यून करवाकर खरीद लेते हो और अपने घर भी लाते हो, तो जितना स्ट्रगल आप देख रहे थे, मैं कितना स्ट्रिंग्स को टंग 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 करे जा रहा था, उतना आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा, और हो सकता है वो ऑलरेडी ट्यून हो। लेकिन हाँ, 19-20 का फर्क होता है, फिर आपको इजीली होता है समझने के लिए, इजी हो जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो आप एक गिटार को ट्यून करके ही खरीदे। और दूसरा चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे एकदम से आ जाए, मुझे किसी ऐप से नहीं सीखना, आप जैसे प्ले कर रहे हो, मैं खुद से कब करूंगा, तो उसके लिए जैसे मैंने बता दिया शुरू में भी कि आपको अनुभव चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसी से दोस्तों ये आएगा। अब इसको समझने के लिए काफ़ी इसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। जैसे अब मेरे माइंड में ये हिट करता है, टंग टंग, आपको भी लगा ये, कहीं ना कहीं आप भी इस धुन से फैमिलियर हो जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब मैं इस वाली स्ट्रिंग को अनट्यून कर देता हूं, तो अब मैं शुरू से ऊपर से नीचे जाता हूं, तो देखो सबका मिला हुआ साउंड लगेगा, सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग के अलावा। तो आपको पता चल गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सिर्फ समझाने की बात इतनी सी है। अब ये सारी स्ट्रिंग्स जो है ये ट्यून है, और ये जो बेसुरा साउंड कर रही है ये अनट्यून है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो सुरीली आवाज आपके गिटार से आए, तो आपको गिटार ट्यून करना है। आपको पता चल गया है, सबसे आसान सा, बिना पैसे खर्च करे, कोई भी कहीं भी कभी भी आसानी से घर बैठे, कहीं पे भी बैठे, कभी भी कहीं भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो मतलब आप आराम से ट्यून कर सकते हैं ऐप की मदद से।